एक बार त्रिकूट नाम का विशाल पर्वत था। त्रिकूट नाम का विशाल पर्वत भीषण, और उस पर्वत राज की तलाटी में बहुत सुंदर एक सरोवर था। पत्रकार जी, बहुत सुंदर सरोवर था। उस सरोवर में अन्य जात के पुष्प खिल रहे थे, बहुत अच्छे फूल खिल रहे थे, भौरा गुंजार रहे थे, कोल पपिया दादुर आसपास वृक्षों पर चिल्ला रहे थे, सोने चांदी के शिखर बने हुए थे उस सरोवर के। एक दिन एक गज अपनी हदनी बच्चों सहित और जल क्रीड़ा करने के लिए पहुंचा, उस सरोवर में पहुंच गया। जब जल क्रीड़ा करने के लिए सरोवर में जब पहुंचा है, आज बड़े बड़े आनंद के साथ जब सरोवर में पहुंच गया, भगवान की बड़ी असीम कृपा, आज सरोवर में जब पहुंचा है तो हाथी अपनी सूंड में जल भर कर, हाथी अपनी सूंड में जल भर के और आकाश की तरफ फेंकने लगा, आकाश की तरफ। तो जल जब ऊपर जाए, ऊपर से जल गिरे तो आवाज होने लगी। आवाज होने पर उस जल में सरोवर में एक ग्रह रहता था, तो ग्रह जग गया। जब ग्रह जगा तो जग करके तो उसने हाथी का पैर पकड़ लिया। जब हाथी का पैर पकड़ लिया, अब कभी तो हाथी खींच लेता है ग्रह को, कभी गज खींच लेता है, ग्रह खींच लेता है। अब ग्रह और गज में जब दोनों तरफ से संग्राम होने लगा, जल में तो ग्रह में बड़ी अथान ताकत है, मगर और सूखे में हाथी में ताकत है, सूखे में हाथी में अथान ताकत है, दोनों में विशाल युद्ध चल रहा है। धीरे धीरे 27 दिन हो गए युद्ध चलता रहा, 27 दिन हो गए युद्ध चलता रहा। घबराने लगे, क्या करना चाहिए। सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, अब क्या करें, अब तो घबरा रहे। तो उन्होंने क्या किया, तो हाथी आज पुकार करता है, अरे दीनन के प्रतिपाल नाथ बे करुणा कर गाती,
विपति मा परी लखाई और समय तमें परवा को के बन गए भावना बनी रहे, ठाकुर की असीम कृपा करें,
पढ़े लिखे योग्य बने, मेरे साथ ही साथ मेरे बच्चों का भी 10-10 रुपए से सम्मान किया, सुख शांति प्रदान हो। ओम सर्वे भवतु स्वरः, सर्वे संत्राम्या, सर्वे वत्राण पश्यत्मा कश्यदम तो भाव। ओम शांति। क्या तारी दी